तो प्रिय छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो पर। यहाँ आपके सुबह के 5 बजे हैं और आपका मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा, आपका ज्योग्राफी यानी भूगोल का आपका पेपर। आपके पास मात्र आपके 2 घंटे हैं और 2 घंटे में हम यहाँ पे एकदम गर्दा उड़ा देंगे आपका पूरे क्वेश्चन बैंक के आंसर से। आपका पूरा पेपर का आंसर दिखाने वाला हूं और फटाफट याद कर लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे देखिए आपका पूरा पेपर, आपके 20 क्वेश्चन है, 3 घंटा समय और आपका यहाँ पे मैक्सिमम आपका 70 नंबर है। तो पूरा पेपर आपको मैंने ऑलरेडी आपके इसके देखिए कहां से आपको देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने आपको दे दिया है, 7 का दे दिया है, 8 का दिया है और साथ में आपका यहां पे 9 का और इसके बाद आपका 10 का और आपका यहां पे क्वेश्चन आपको 11। देखिए आज के इस वीडियो में आपको मैं 11 से लेकर आपके क्वेश्चन 20 तक के आंसर प्रॉपर बताऊंगा, फटाफट देंगे आंसर, एक एक क्वेश्चन रटना स्टार्ट कर देना। और जो भी छात्र यहां पर पहली बार विजिट करें जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए गर्दा मचाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, मरु आपका यहां पे लिखा है, मरुद्यन से क्या तात्पर्य है और डेल्टा किसे कहते हैं। आपके 2 क्वेश्चन जल्दी फटाफट इसे आपको 1 घंटे में कंप्लीट करना है। वीडियो को पॉज करिए और रोक कर यही पलटिए, आप जो है वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत कीजिए, यही पलट लीजिए। आपके पास 2 घंटे समय है, वीडियो पर लगातार पढ़िए, उसे सुनते रहिए, रिविजन करिए और यहाँ पे पेपर दे जाइए, आप एकदम पेपर में गर्दा मचा देंगे। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका मरुद्यन से क्या तात्पर्य है। आपको भौगोलिक संदर्भ में मरुद्यन किसी मरुस्थल में किसी झरने, चश्मा या क्या लिखा है आपका यहाँ पे, जल स्रोत के आसपास स्थित ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर किसी वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त आपका अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती है। यदि उस क्षेत्र में पर्याप्त रूप से बड़ा हो तो पशुओं और मनुष्यों को भी प्राकृतिक आपका आवास उपलब्ध कराता है, ये क्वेश्चन हो गया। और इसके साथ आप पढ़ना चाहें तो दून क्या है, तो निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच आपका स्थित लंबवत घाटी को दून कहा जाता है और यह संरचना मूल आपका घाटियां हैं, यह घाटियां हिमालय और शिवालिक के ऊपरी भाग के कटाव के कारण पत्थर और वज्र से आपका ढके रहता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहां पे आपका डेल्टा किसे कहते हैं, तो डेल्टा के बारे में चलिए आपको आंसर देते हैं। यहां पे देखिए नदी के मुहाने पर बनने वाली आपका नदी के निक्षेपण से विशेषता है, ये बेटलैंड्स हैं। मतलब क्या होता है आपका बेटलैंड, मतलब आपका दलदली क्षेत्र, ठीक है। जैसे यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आता है। तो नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी के निक्षेपण की विशेषता है बेटलैंड्स, और जिनमें नदियां अपना जल एवं तलहट में किसी अन्य जल निकाय जैसे महासागर, झील या दूसरी नदी में प्रवाहित करती है। और यदि नदी की विशेषता है कि जो उसे सेनाइल स्टेज को दर्शाती है, सेनाइल मतलब क्या होता है आपका लवण। अब देखिए बात करें डेल्टा की, तो आपको नाम याद रखना सुंदरबन डेल्टा, जो कहां पे बनता है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र के आपके मुहाने पर आपका बनता है और ये कैसा है सेलाइन ही आपका लवण वाला आपका जल होता है उसमें। अब देखिए क्वेश्चन आपका बार बार आता है, अबाय से आप क्या समझते हैं, क्या क्वेश्चन लिखा है अबाय से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन देखिए और आंसर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए निश्चित नदियों के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को आपको अबाय कहते हैं और इनकी सहायता नदियों के साथ निर्मित जल का अबाय तंत्र कहते हैं, जिसे किसी भी अबाय तंत्र वहां के भूवैज्ञानिक समयावधि शैलों के और संरचना स्थलाकृति ढाल जल की मात्रा और बहाव की समय आपका अवधि का आपका प्रमाण है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके बार बार आपका अथवा क्वेश्चन यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाले आपको 4 आपके नदियों के नाम, बहुत सिंपल है आपका। बंगाल खाड़ी की बात करें तो गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, ये सभी कहां गिरते हैं आपका आपका बंगाल की खाड़ी में। और बात करें यहाँ पे आपकी किसका आपका अरब सागर में, तो कौन कौन सा नदी, देखिए नर्मदा नदी आपने सुना होगा मध्य प्रदेश से निकलती है, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आपका निकलती है होशंगाबाद से, और माही नदी आपका देखिए और आपका धार से निकलती है, साबरमती नदी आपका गुजरात से निकलती है और लोनी नदी आपका यहाँ पे राजस्थान से निकलती है। ये सभी आपके अरब सागर में आपका गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा है, आपका क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, सा स्तर किसे कहते हैं आपको ये क्वेश्चन, और प्राकृतिक वनस्पति क्या समझते हैं आपका ये क्वेश्चन। देखिए 13वां का आंसर आपको दिखाते हैं, तो यहां पर आपको आंसर मिलेगा पृथ्वी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर आधार सेल तक मिट्टी का ऊर्ध्वकाट को ही मृदा आपका परिच्छेदिका कहते हैं और इसे ही संस्तर कहते हैं। यह परिच्छेदिका मृदा के क्षितिज अर्थात स्तरों को दर्शाती है, उन्हें मृदा संस्तर मृदा परत भी कहते हैं। ये स्तर विभिन्न रंगों और गठन के होते हैं, कभी कभी यह स्तर एक दूसरे में धीरे धीरे मिश्रित होते हुए भी परिवर्तित होते हैं। प्रत्येक मृदा के अपने संस्तर होते हैं, जैसे क्या होता है आपका का संस्तर, इसके बाद खा और आपका यहाँ पे गा आपको पढ़ना है। और इसके साथ ही देखिए इसके अथवा क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति क्या समझते हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं आपको, आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। देखिए प्राकृतिक वनस्पति, तो आपको क्या लिखा प्राकृतिक वनस्पति के तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश में वहां के भौतिक पर्यावरण जलवायु तथा आपका मिट्टी के अनुरूप प्राकृतिक रूप से होने वाली वनस्पति से, जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियां घास आदि आते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति के पेड़ पौधे झाड़ियां घास मनुष्य की सहायता से बिना अपने उगते हैं और बढ़ते हैं और इनके विशिष्ट रूपों को भी प्रकट करने के लिए वनस्पति जातीय वनस्पति तथा वन आपका शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके साथ आपको क्वेश्चन पढ़ लेना कौन सा आपका सामाजिक वानगी, देखिए सामाजिक वानगी का अर्थ क्या होता है, पर्यावरणीय आपका सामाजिक और ग्रामीण
विकास के मुद्दों पर आपका उद्देश्य, वनों का प्रबंध और सुरक्षा और भूमि पर आपका बना रोपण। ठीक है, आपको देखिए इसमें राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 और 1979 में सामाजिक वानिकी को यहाँ पे तीन वर्गों में बांटा है। पहला शहरी वानिकी, फॉर्म वानिकी और आपका ग्रामीण वानिकी। आपको यहाँ पे तीनों आपको पढ़ लेना है। देखिए आपके क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल आपके आज के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मृदा अपरदन के दो प्रकार देखिए कौन कौन सा, जल द्वारा अपरदन और एक आपका यहाँ पे होता है आपका वायु द्वारा आपका अपरदन। और एक क्वेश्चन भारत में लवण युक्त मिट्टी का क्षेत्र बताइए। तो आपको यहाँ पे देखिए पूरा आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकारों का सचित्र वर्णन और वायुमंडल के संगठक के आपको नाम बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, देखिए आपको वर्षा किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन। तो देखिए पहला आपका वर्षा प्रकार होता है, देखिए वायुमंडल में ऊपर उठती हुई हवा का तापमान जब ओस पे नीचे चला जाता है तो बाष्प जल कणों में बदलकर बादल का रूप ले लेती है। परंतु बादल बनने से ही वर्षा नहीं होती है, बादल छोटे छोटे जल कणों का समूह मात्र होता है और ये जल कण स्थूल रूप लेकर इतना बड़े हो जाते हैं कि ऊपर बन रहे आपका यहाँ पे ऊपर बने रहना असंभव हो जाता है और वर्षा के रूप में गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा हो जाता है। और इस प्रकार वायु मिली हुई बाष्प द्रवीभूत होकर जब बूंदों के रूप में धरातल में गिरती है उसे कहते हैं बरसा। अब देखिए आपके पास समय नहीं है कि आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, उसे लिखो, आप यहाँ पे फटाफट यहाँ पर सुनते जाइए और आंसर याद करते जाइए। आपका पहला प्रकार होता है समनीय वर्षा होता है, ठीक है, यह स्थल पर अधिक गर्मी के कारण वायु गर्म पर होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। आपके क्वेश्चन इसका आपका चित्र यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ पे चक्रवाती वर्षा होता है, इसे पढ़िए आप एक बार और ये आपको इस चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा होता है आपका यहाँ पे पर्वती वर्षा, इसे पढ़ लीजिए और आपको यहाँ पे ये चित्र आपको यहाँ पे याद करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आपका क्या लिखा है यहाँ पे, आपका लिखा गया छात्रों इसमें आपका वायुमंडल के संगठन को समझाइए। तो वायुमंडल का आपका संगठन क्वेश्चन आपका ये है, देखिए आपको संगठन यहाँ पे तो पहला आपका होता है क्षोभ मंडल, आप जानते होंगे ऊंचाई क्या होता है, जीरो से आपका यहाँ पे 16 किलोमीटर तक आपका सबसे निचली परत कहलाती है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे होता है समताप मंडल, ये आपका 50 किलोमीटर ऊपर तक होता है, 20 से लेकर 50 किलोमीटर आप इसे जानते हैं, यहीं पर आपका जो है हवाई जहाज आपका उड़ता है। और इसके बाद देखिए मध्य मंडल आपका 50 से 90 किलोमीटर, और इसके बाद विषम मंडल आपका ये होता है, और आपका आयन मंडल 100 किलोमीटर से आपका 400 किलोमीटर के आपके ऊंचाई पर, और इसके बाद आपका सबसे ऊपर आपका वायुमंडल होता है, ठीक है। चलिए ये चित्र आपको यहाँ पे बना लेना है, आपको यहाँ पे पूरा आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 15, यहाँ पे जल संभर और आपका नदी द्रोण में आपको अंतर और साथ में रिप्त घाटी और आपको डेल्टा में आपको अंतर बताना है। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जल संभर और आपका नदी द्रोण में अंतर। पहला अंतर होता है छोटी नदियों व नालों द्वारा अवाहित क्षेत्र को जल संभर कहते हैं और बड़ी नदियों के जल ग्रहण को, देखिए ये छोटी नदियां और नदी द्रोणी आपका बड़ी नदियों के जल ग्रहण को यहाँ पे नदी द्रोणी कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है, बिल्कुल होगा क्योंकि छोटी नदियां आपको इसमें मिलती हैं और इसमें आपका आकार इसका बड़ा होता है। जल संभर खुले और बंद हो सकते हैं, लेकिन देखिए नदी द्रोणी की कई आपके सहायक नदियां भी इससे जुड़ी रहती हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका इसकी अथवा का, आप चाहो तो यहाँ पे हिमालय आपको पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपी पठार की नदियों में आप अंतर कर सकते हैं। देखिए हिमालय पर्वत की नदियां आपका अधिक लंबी होती हैं, देखिए कौन गंगा यमुना आपका ब्रह्मपुत्र होती है बड़ी कितनी होती है, और प्रायद्वीपी मतलब आपका होता है इधर वाले आपका देखिए तमिलनाडु साइड हो गया, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश साइड यहाँ पे गोदावरी कावेरी और आपका कृष्णा ये नदी आपका छोटी होती है। और देखिए हिमालय की नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़े होते हैं और इनमें क्या होता है छोटा होता है, और हिमालय की नदियों में संख्या अधिक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी आपके सहायक नदियां होती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ऊपर बर्फ होता है तो पानी तो बहती रहती है और यहाँ पर प्रायद्वीपी नदियों की संख्या कम होती है। और इसकी देखिए यहाँ पे हिमालय की नदी आपका हिमाच्छादित प्रदेश मतलब बर्फ से ढकी रहती है और यहाँ पे क्या होता है उसे वर्षा पर निर्भर करती है, सिंपल सा है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका इसके अथवा देखिए क्वेश्चन आप पढ़ना चाहे तो आपको यहाँ पे निर्गली के दक्षिण भाग में आपको दूसरे दो वर्गों के नाम आपको बताना है, तो आप इसे चाहो तो यहाँ पे एक बार इसे पढ़ सकते हो, आपके पास टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है रिप्त घाटी और आपका डेल्टा में अंतर। तो रिप्त घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनीयता हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाले भ्रंशन के कारण होता है और यह उच्च भूमियों के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती है और डेल्टा नदी के मुहाने पर बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। यह कम जोर और तटीय मैदानों के क्षेत्रों में आपका यहाँ पे अत्यंत उपजाऊ कृषि के लिए आपका उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे लिखा है भूकंप क्या है, आपको भूकंप के आने के आपको कारणों का वर्णन करना है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे आपको आंसर याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको यहाँ पे भूकंप और सुनामी के बारे में, भूकंप का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का तल पर तलखंड का कंपन, जिस प्रकार किसी तालाब के शांत जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल गोलाकार लहरें केंद्र के चारों तरफ बाहर की ओर प्रवाहित होते हैं, उसी प्रकार जब धरातली चट्टानों में कोई धक्का लगता है तो उस स्थानों पर केंद्र को भूकंपीय लहरें चारों ओर प्रवाहित करती हैं। आपको आंसर याद कर लेना है। और आपको यहाँ पे 3 चीजें लिखी, हिमालय का क्षेत्र भूकंप आने का आपको कारण आपको यहाँ पे लिखा गया है, और इसके बाद आपको यहाँ पे मैदानी क्षेत्र आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा और इसके आपके भूकंप आने कारण, और इसके बाद तीसरा आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र और आपको यहाँ पे भूकंप आने के कारण आपको यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है।
और इसके आपको यदि क्वेश्चन आपको और याद करना है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा भूस्खलन क्या है, इसके आपको परिणाम ज्ञात करने हैं, तो आपको इसका आंसर क्वेश्चन और आपका आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, भूस्खलन क्या है, तो प्राकृतिक आपदा का दूसरा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पे भूस्खलन है, जो आज के मानव के अपने लिए अंधाधुंध वनों की कटाई और पहाड़ी भागों में खनिज की प्राप्ति के लिए विस्फोट आदि ऐसे कारण जो भूस्खलन को जन्म देते हैं। देखिए क्या होता है, जब आप करते हैं पहाड़ी को भागों का कमजोर सैलों को नीचे आपको गिरना और उसमें किरण में आपका मार्ग अवरुद्ध होना भूस्खलन के आपका कारण नदी के मार्ग का अवरुद्ध होते हैं, जलाशय बनने फिर उसे अचानक टूटने से प्रलय काली आपका बाढ़ आ जाती है। देखो होता क्या है, भूस्खलन मतलब चट्टानों का खिसकना। देखिए क्या करते हैं, मानव यहाँ पे आपको वनों काटता है, वनों काटने से क्या होता है, यहाँ पे मिट्टी आपका कटाई होता है, वही तो आपका होता है भूस्खलन, वनों का कटाव या फिर मिट्टी का कटाव। और देखिए बहुत सारे लोग क्या है, सोना चांदी कुछ भी पाने के लिए आपको खनिजों के लिए आप यहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को खोदते हैं, इससे भी आपका यहाँ पे भूस्खलन होता है। तो आप इसे पढ़िए और इसे पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे भूस्खलन के आपको प्रभाव आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप इसे पढ़ लीजिए। और यदि आप चाहते हैं सूखा क्या है, तो आप सूखा के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पूरा आंसर एक बार जरूर पढ़िएगा। और बाढ़ आने के कारणों को आपको लिखिए ये क्वेश्चन, और इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपदा क्या है आप इसे चाहते हैं तो एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। और बाढ़ नियंत्रण के दो उपाय आपका लिखा गया है, और साथ में आपका सुनामी क्या है आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका तात्पर्य बहुत लंबी और कम कंपन करने वाली आपको लहरें जो महासागरीय भूकंप के प्रभाव से महासागरों में उत्पन्न होती है, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए। और यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट के आपको दो लाभ, तो आप यहाँ पे चाहे तो आपको ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए ओजोन हास के आपके दो प्रमुख कारण आप चाहे तो इसे पढ़ लीजिए, ओजोन का समग्र कारण क्लोरीन युक्त आपका स्रोत गैसों की उपस्थिति और संबंधित आपका यूवी प्रकाश की उपस्थिति में आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए 18वां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग आपका थ्योरी, तो आपको आंसर आपको इसका आंसर एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आपको बिग बैंग थ्योरी आपको यहाँ पे पूरा आपको आंसर दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक सिद्धांतों में सर्वमान्य सिद्धांत आपका यहाँ पे यही बात आपका है, वैज्ञानिक ओस्टोमिट द्वारा बिग बैंग आपका सिद्धांत का जन्म दिया गया था, विस्तारित ब्रह्मांड के परिकल्पना भी कहा जाता है। और 1920 में एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे के दूर हो रही हैं। आपको ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, आपको देखिए यहाँ पे पॉइंट आपका लिखा गया, पहला वे सभी पदार्थ जिसमें ब्रह्मांड बना होता है अति छोटे छोटे शीतल कण के रूप में आपका एक स्थान पर स्थित होते हैं, और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अति छोटे गोलक में भीषण आपका विस्फोट हुआ, आपको ये क्वेश्चन पढ़ लेना है। और बिग बैंग से 3,00,000 वर्षों के तापमान में 4500 केल्विन तक गिर गया था, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसके अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आपको आंतरिक संरचना और कुछ चित्र बनाना है, तो देखिए आपका ये पूरा चित्र है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा और चित्र देख लीजिए, नीफे सियाल और सियाल हो गया सीमा हो गया ये क्वेश्चन। और आपको यहाँ पे पहले से वर्णन, पहले आपका सियाल का वर्णन और इसके बाद सीमा का, और इसके बाद आपका यहाँ पे सबसे नीचे आपका नीफे का, ठीक है, पढ़ लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका 19वां, देखिए सेल किसे कहते हैं और आपको इसको प्रकारों का आपको उदाहरण और आपको नदी अपरदन और निक्षेपण से निर्मित आपको इस तरह करती आपको वर्णन करना है, तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको मैं बता देता हूँ, आपका क्वेश्चन 19 आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 आपको ये मिल जाएगा, सेल किसे कहते हैं, तो देखिए भाई पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहा जाता है और इस भूपर्पटी का निर्माण चट्टानों द्वारा होता है, चट्टानों से निर्मित आपका खनिज पदार्थों का युगफल है, चाहिए पदार्थ ग्रेनाइट जैसे कठोर अथवा मिट्टी जैसे मुलायम और काटच के समान ठोस और बालू के समान ढीले क्यों ना हो, आपको भूविज्ञान की भाषा में चट्टान स्वाभाविक आपका निक्षेप का आपका वह पिंड है जो भूपृष्ठ के आपका ठोस का बना होता है, अतः भी समस्त प्रकार प्राकृतिक पदार्थ भूगर्भ तथा धरातल के ऊपर पाए जाते हैं, चट्टान कहलाते हैं, ठीक है। चट्टानों के प्रकार पहला आपका यहाँ पे अग्नेय होता है, इसे पढ़िए। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए रूपांतरित आपका अग्नेय चट्टान आपका ये हो गया, और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे दूसरा होता है कायांतरित आपका यहाँ पे चट्टाने, ठीक है, इसे पढ़िए। आपका यहाँ पे चित्र आपको याद कर लें, ठीक है। और इसके बाद तीसरा आपका होता है आपका अपसादी आपका चट्टाने, ठीक है, तो आपको इसे पढ़ना है एक बार। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे अथवा का नदी अपरदन और निक्षेपण में आपको इस तरह करती है आपको चित्रों का वर्णन, पहला देखिए आपको यहाँ पे जलोढ़ पंख हो गया, और इसके बाद आपको इसका चित्र आपको बना देना है, देखिए विसर्बण और गोखुर झील और आपको यहाँ पे चित्र आपको बना हुआ है, और इसके बाद आपको जलोढ़ आपका मैदान का पूरा चित्र, और इसके बाद आपको यहाँ पे नदी के अपरदन द्वारा कार निर्मित आपका भू आकृतियां देखिए कौन कौन से होता है, बी आकार की घाटी, और इसके साथ आपको नर्मदा का गार्ज, आप इसे एक बार देख लीजिए, ठीक है, आपके क्वेश्चन में आएगा वहां पे, तो आप क्या करना फटाफट यहाँ पे आपको चित्र याद करके बना देना है, महाखाड्या गार्ज हो गया और कैनियन हो गया और जलगर्तिका और छिप्रिकाएं और आपका जलप्रपात ऐसे बनता है, और इसके बाद आपको यहाँ पे जलप्रपात का आपको यहाँ पे ये आपको गिरना, और आपको यहाँ पे आंसर याद कर लेना है, इतने ही क्वेश्चन है। और आपको यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन आपको भारत के सीमा कर मानचित्र में आपको दर्शाना है, कर्क रेखा, कच्छ की खाड़ी, इंदिरा पॉइंट और लक्षद्वीप, और साथ में भारत में क्या क्या, कान्हा कृषि राष्ट्रीय उद्यान, सबसे सुंदरबन डेल्टा और आपका यहाँ पे महानदी आपका अन्नामलाई, तो ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कहाँ पर आपको मिलेगा, आपका सबसे आपको लास्ट आपको चैप्टर में देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा भारत का मानचित्र, तो बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे
अगर बोले काराकोरम दर्शाने के लिए बॉम्बे हाई, अरुणाचल प्रदेश, गंगा नदी, इंदिरा पॉइंट, हीरा उत्पादक क्षेत्र खेतड़ी और नागार्जुन सागर, बांधवगढ़ नेशनल, कानाकिसली, कावेरी नदी, बाबा बोधन की पहाड़ी, लक्षद्वीप, सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र ताप्ती नदी, खंबात की खाड़ी, सुंदरबन डेल्टा और इसके अलावा आपको यहाँ पे जितने आपके दिए गए तो ये आपको कोई भी पूछेगा, ठीक है। कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वत, श्रीनगर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, महानदी, कर्क रेखा, काली मिट्टी क्षेत्र, शिव किला, दर्रा, छोटा नागपुर पठार, कोरोमंडल तट, अन्नामलाई, नर्मदा नदी, अति निम्न जोखिम क्षेत्र। तो आपको यहाँ पे सारा आंसर आपको दिया गया। देखिए काराकोरम आपका पर्वत श्रेणी आपको इस जगह पे है, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन आपका इस क्षेत्र पंजाब में, और इसके साथ छोटा नागपुर पठार आपका यहाँ पे झारखंड में, और हीरा उत्पादक क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश में पन्ना में, और इसके बाद अरावली पर्वत आपका यहाँ पे राजस्थान में, और यहाँ पे गंगा नदी आपका यहाँ पे बहती है, और इसके बाद शिवालिक श्रेणी आपका ये वाला कहलाएगा, और इसके साथ आपका अरुणाचल प्रदेश आपका ये वाला क्षेत्र, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे कहाँ है, आपका असम में, और इसके साथ कान्हाकिसली राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश में, और सुंदरबन डेल्टा आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल में, और इसके बाद महानदी आपका यहाँ पे होगा, कावेरी नदी आपका यहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट आपका यहाँ पे है, और लक्षद्वीप आपका यहाँ पे मिल जाएगा, और काली मिट्टी क्षेत्र आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में, और इसके बाद ताप्ती नदी आपका यहाँ पे मिलेगा, नर्मदा नदी हो गया, और इसके साथ खंबात की खाड़ी यहाँ पे देखिए, मुंबई आपका यहाँ पे हाई, ठीक है, आपका हाई, और कच्छ की खाड़ी, और कर्क रेखा का यहाँ पे मध्य से गुजरता है, ठीक है। और आपका ये पूरा कंप्लीट आपका आंसर आपको बता दिया गया है। तो देखिए आपके हमने आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, जल्दी से पढ़ लेना, एक एक क्वेश्चन रख लेना, समय आपके पास बहुत कम है।